सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जब भी वो कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि वो फ़ोन किस कंपनी का खरीदें और किस जगह से खरीदें, क्योंकि दोस्तों हमें फ़ोन दो जगह से मिल जाते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो लोगों के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें फ़ोन किस जगह से खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप एक ऐसा फ़ोन खरीद सकोगे जिसको खरीदने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपके पैसे बेट चले गए। आप एक ऐसा फ़ोन खरीद सकोगे जिसको खरीदने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, जो आपके लिए एक परफेक्ट फ़ोन हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या क्या टिप्स अपनानी है, क्या क्या बातें फॉलो करनी है फ़ोन खरीदते टाइम। तो दोस्तों उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो अपने लिए बार बार फ़ोन चेंज कर सकें, बार बार फ़ोन खरीद सकें। तो वो अपने लिए पैसे इकट्ठे करके एक ऐसा फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिस फ़ोन में उनको वो सारे फीचर देखने को मिलें जो वो एक स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उनके माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें फ़ोन किस कंपनी का खरीदना चाहिए और किस जगह से खरीदना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको दो तीन बातें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रख लोगे तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगे फ़ोन खरीदते टाइम। दोस्तों सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदने आओ तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जिस भी कंपनी का फ़ोन खरीदो आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में उस फ़ोन के सर्विस सेंटर है कि नहीं है, यानी कि जिस भी कंपनी का फ़ोन खरीदो उसका सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में है कि नहीं है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लो, हर फ़ोन की आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन आपको वारंटी में सही होगा ना मिले। तो आपको वही फ़ोन खरीदना है जिसका सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में है, क्योंकि अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको सभी कंपनियों के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसी जगह रहते हो जो एक कस्बा है, गांव है, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कौन सी कंपनी का सर्विस सेंटर है, आपको उसी कंपनी का फ़ोन खरीदना चाहिए। क्योंकि आप फ़ोन तो खरीद लोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो जिससे आप फ़ोन खरीदोगे वो आपको ठीक करके नहीं देगा, आपको उसको सही करवाने के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको बाद में काफ़ी दिक्कत आएगी अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं हुआ तो। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी कंपनी का फ़ोन खरीदो उसका सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में होना ज़रूरी है। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें फ़ोन बाजार से खरीदना चाहिए अपने मार्केट से या ऑनलाइन। तो दोस्तों फिर से मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो जिस जगह फ़ोन की काफ़ी सारी दुकान है, काफ़ी सारी मार्केट हैं, तो आपको ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, आपको अपने बाजार से ही फ़ोन खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी फ़ोन आप ऑनलाइन देखते हो, चाहे वो ऑफलाइन कंपनी का हो या ऑनलाइन का हो, जो भी फ़ोन आप ऑनलाइन देखोगे वही फ़ोन अगर आप बाजार में देखने जाओगे तो आपको वो फ़ोन बाजार में उस रेट से कम रेट में मिल जाएगा, यानी कि जिस रेट में आपको वो फ़ोन ऑनलाइन में मिलेगा उससे कुछ कम पैसे में आपको बाजार से देखने को मिल जाएगा। तो उसमें दोस्तों एक फ़ायदा है कि आप जब भी आप बाजार से फ़ोन खरीदोगे आपको वो एंड्रॉइड मिल जाएगा, और दूसरा आप अपने बॉक्स में सारी चीज़ें चेक कर सकोगे कि आपके बॉक्स में क्या क्या सामान आपको मिल रहा है, और दोस्तों तीसरा आपके कुछ पैसे बचेंगे क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा है दोस्तों कि आप एक दुकान पर जाओ तो दूसरा दुकानदार अपने आप उस पर 100-150 रुपये कम कर देता है कि आप सर हमारे यहाँ से ले लो, मैं आपको इतने पैसे कम करके दे दूँगा। तो दोस्तों बाजार में काफ़ी कंपटीशन है, आप जब भी कोई फ़ोन खरीदने जाओ और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप अपने मार्केट से फ़ोन खरीदो, ऑनलाइन बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि इसमें 3-4 फायदे हैं। पहला, आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे। दूसरा, आप जो भी सामान जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो उसका सारा सामान वहीं चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा दोस्तों, आपको फ़ोन हैंड टू हैंड मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी हम आइटम खरीदते हैं, जो भी फ़ोन खरीदते हैं उसमें कुछ टाइम लगता है, 2-4 दिन का या 1-2 दिन का, जो भी आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब भी कोई फ़ोन खरीदो तो आपको अपने बाजार से करना चाहिए अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो। अगर आप जो फ़ोन खरीद रहे हो वो आपके शहर में अवेलेबल नहीं है तब आप ऑनलाइन जा सकते हो। अब दोस्तों तीसरी बात बताऊँ, काफ़ी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें किस कंपनी का फ़ोन खरीदना चाहिए और कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि उनके पास बजट उतना ही है कि उन्हें ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने कोई गलत फ़ोन ले लिया तो वो फिर से अपने लिए फ़ोन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये देखना है कि आप जो फ़ोन खरीदना चाहते हो वो किस लिए खरीदना चाहते हो, यानी कि उस फ़ोन से आप क्या एक्सपेक्टेशन है, उस फ़ोन से आपको क्या उम्मीद है। आपको अगर फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, फिर तो आपके लिए कैमरा ज़्यादा मायने रखता है, या फिर आप हैवी गेमर हो, आपके लिए हैवी गेम खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो आपको फिर ये देखना है कि उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसमें बैटरी कितनी है,
क्योंकि दोस्तों कोई भी फ़ोन आप देख लो वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। हर फोन में कोई ना कोई कमी होती है। जिस फ़ोन की बैटरी अच्छी होती है तो उसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी नहीं होती, या जिस फ़ोन की डिस्प्ले बैटरी दोनों अच्छी होती हैं तो उसमें जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो हमें एक छोटे लेवल का मिलता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जिसमें हमें सारे फीचर देखने को मिले हैं। क्योंकि ये कंपनी जो होती हैं ये खुद जानबूझकर ऐसा करती हैं, क्योंकि अगर वो एक ही फ़ोन में सारे फीचर दे देंगी तो फिर बाकी उनके जो फ़ोन है उनको कौन खरीदेगा। तो जो उनका एक गेम होता है जिसमें दोस्तों उनकी अलग अलग सीरीज होती हैं, कि उनकी अलग अलग सीरीज में अलग अलग चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको फ़ोन किस लिए खरीदना है। अगर आप एक गेमर हो फिर आप उसमें एक हैवी प्रोसेसर देख सकते हो और बैटरी देख सकते हो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा गेम खेलना है तो आप एक ऐसा फ़ोन देखो जिसकी एक अच्छी बैटरी हो और अच्छा प्रोसेसर हो। और अगर आप ऐसा फ़ोन खरीदना चाहते हो जिसमें आप अच्छी अच्छी सेल भी आएँ, आपको गेम खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आप जो फ़ोन खरीद रहे हो उसका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है और किस सेंसर का है। तो दोस्तों ये आपको डिपेंड करता है कि आप फ़ोन किस पर्पस के लिए लेना चाहते हो। तो दोस्तों जब भी आप अपने कोई फ़ोन खरीदो तो सबसे पहले आपको उसमें यही देखना है कि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको शौक है, जो आप फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, वो चीज़ अच्छी है कि नहीं है। बाकी और जो चीज़ें होती हैं उनसे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ आपको बेटर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको फ़ोन खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या बातें फॉलो करनी है जिससे आपके पैसे वेस्ट नहीं आएँ और आप एक ऐसा फ़ोन खरीद सको जिससे आपको खरीदने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चले पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।